इन दिनों भारत देश में सिर्फ दो ही चीजों पर बातचीत हो रही है, मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार कोरोना और रामायण को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। जहां एक तरफ पूरे देश भर में लॉकडाउन का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं पर लॉकडाउन में खुशी की बात यह है कि रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण फिर से प्रसारित की जा रही है। जी हाँ, 1987-88 के दशक में बनी रामायण को लोग आज भी ज्यादा पसंद करते हैं। 90 के दशक में इस सीरियल को प्रसारित किया जाता था, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों की बढ़ती हुई मांग को लेकर दूरदर्शन ने अपने इस पुराने एपिसोड को फिर से टेलीकास्ट किया है और ये वही दीवानगी हमें देखने को मिल रही है। लगातार टीआरपी के मामले में रामायण रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रामायण के लिए रामानंद सागर को कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, साथ ही रामायण ने उस वक्त कितने रुपए कमाए थे। ये एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर रामायण बनाने के लिए रामायण ने उस वक्त कितने रुपए कमाए थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रामायण बनाना उस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल था, ना ही उस वक्त क्रोमा या वीएफएक्स जैसी सहूलतें होती थी, ना ही उतने सारे उपकरण, लेकिन इसके बावजूद भी रामानंद सागर ने एक बढ़िया सीरियल बनाकर लोगों के सामने पेश किया। ये सीरियल आज भी लोगों के जहन में हमें देखने को मिलता है और रामायण की वही खूबसूरती आज भी लोगों के बीच पसंद की जाती है। रामायण के सभी कलाकारों को एक साथ रामानंद सागर ने पिरोया था और यही बड़ी वजह है कि रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण को लोग आज भी ज्यादा पसंद करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, रामानंद सागर ने रामायण को 78 एपिसोड में पिरोया था, जहां पर राम भगवान की जिंदगी से जुड़ी सारी चीजें इस एपिसोड में दिखाई गई थी। रामायण के इन सभी एपिसोड की शूटिंग सूरत और मुंबई के खूबसूरत इलाकों में की जाती थी। ज्यादातर रामायण की शूटिंग गांव के इलाकों में की जाती थी, जहां पर रहने और खाने पीने की कुछ ज्यादा व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी रामानंद सागर ने हार नहीं मानी और उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज भी उनके बनाए गए रामायण को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब बात करें रामायण ने उस वक्त कितने रुपए कमाए थे, तो एस पर मीडिया सोर्सेस करीब 35 से 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उस समय किया था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। किसी भी सीरियल को भारत देश में इतना ज्यादा पसंद नहीं किया गया है, लेकिन ये कारनामा रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण ने किया था। तो दोस्तों, आई होप आप भी रामायण को टीवी पर देखकर आनंद ले रहे होंगे। रामानंद सागर की इस खूबसूरत कला के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।